Respected Aki sir, a very happy good morning to you, and respected Hanu sir, also you also a very happy good morning. मैं आकाश कुमार बेहरा हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ. सो मैं GINC से पिछले 3 साल सिंस 2021 से जुड़ा हूँ. जब से YouTube में जब से वीडियो मैंने देखा था, तो अक्की सर का वीडियो देखा था, और तब से मैं GINC से जुड़ा हुआ हूँ. तो आज मेरा फाइनल BHU का एक मेल आया है. तो उन्होंने जैसे कि हमको मेल में बताया हुआ है कि हम लोग सिलेक्टेड हुए हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन BHU वाराणसी. सो तब से मैं मेरा फाइनल कॉल को वेट कर रहा था. सो आज मैं ये बहुत खुशी हो रहा है कि मैं मेरा ये जो अचीवमेंट JNC के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ. सो अगर ये पॉसिबल हुआ तो बिकॉज ऑफ डेफिनेटली मेरे माँ पापा के लिए, और अगर ये उनसे भी ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ, ये गलती नहीं होगा कि उनसे भी ज़्यादा अगर मेरे सक्सेस में किसी का हाथ है तो JNC का है. क्योंकि मैं पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट नौकरी में था, और मैं सोच रहा था कि लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था नर्सिंग के टाइम में. सो मैंने ये कभी खुद से ये सोच नहीं पाया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बन सकता हूँ. सो इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं किया था. मेरे दोस्त लोग ने कोशिश की और उन लोगों को मिला, बट मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया था. बट जब से YouTube में आपके सर से मिला हूँ, तब से एक मोटिवेशन, जैसे कि वो उनका हर एक वीडियो में हर एक क्लास में देते हैं कि नो यू ऑल्सो कैन डू इट, इफ़ आई कुड डू दिस तो यू ऑल्सो कैन डू दिस, इफ़ आई कैन कम फ्रॉम द साइकिल टू ए कार नाउ टू ए फ्लाइट, देन यू ऑल्सो कैन लाइक कम फ्रॉम साइकिल टू फ्लाइट. सो उनका उस कंस्टेंट मोटिवेशन के लिए तो आज ये पॉसिबल हो पाया है. तो इसके लिए मैं पूरे JNC टीम को श्रेय देना चाहूँगा. मैं थैंक यू कहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड अक्की सर को, रेस्पेक्टेड अनु सर को, रेस्पेक्टेड RC सर को, हमारे चॉकलेटी सर, रेस्पेक्टेड अली सर को, एंड हमारे चुलबुल सर, चुलबुल पांडे सर जैसे बोलते हैं, रेस्पेक्टेड श्री सर को, रेस्पेक्टेड सुभाष सर, रेस्पेक्टेड विवेक सर, रेस्पेक्टेड रवि सर, और ऑल द टीम JNC मेंबर, रेस्पेक्टेड खान सर, एंड जैसे कि पूरा रात भर दिन भर जागे रहते हैं रेस्पेक्टेड विलियम सर, सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा. और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम टू JNC टू विजिट माई इंस्टीट्यूशन, जिनको मैं मंदिर जैसा सोचा है, जिनको लाइक क्या बोलो जाने के लिए कब से तपस्या कर रहे हैं कि कब एक सिलेक्शन आएगा और हम JNC विजिट करेंगे. तो अभी जाना है JNC, जैसे कि सर बोलते हैं कि एक सिलेक्शन लेके रुक मत जाना और भी कोशिश करते रहना. तो ये जारी रहेगा. जैसे कि मैंने JNC से अभी फ्रेशली जो हुआ है सेकेंड एंट्रेंस बेस लिया है. मेरा ये मन में ये था कि मैं पहले एंट्रेंस बेस नहीं ले पाया था ड्यू टू सम टाइम उस वक्त कुछ ऐसे हुआ था, तो मैं वो चाह कर भी फर्स्ट लाइव एंट्रेंस बेस ले नहीं पाया था. उसका लाइक रिपेट मेरा अभी तक हुआ है था कि क्यों मैं नहीं लिया. अगर वो लेता तो शायद कुछ और होता, बट वो लिया है, अभी लिया है. तो मैं डेफिनेटली और भी हार्डवर्क करूँगा और भी ऊँचाई में जाने के लिए कोशिश करूँगा और JNC के नाम को रोशन करूँगा. और मैं लाइक जैसे कि शायद इंडिया में अगर ऐसा कोई ना होगा जिनको JNC के नाम पता नहीं होगा, इंडिया में ऐसा भी कोई एक नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग फैकल्टी, नर्सिंग पर्सनल कोई नहीं होगा जिनको कि JNC के बारे में मालूम नहीं होगा. बट फिर भी लाइक एज फार एज माई कैपेसिटी आई ट्राई टू शेयर टू आवर JNC टू ऑल द माई कॉलिग्स, ऑल माई लाइक जूनियर फ्यूचर NOs जिनके मेरा कॉन्टैक्ट है. जैसे कि मैं यहाँ पे उड़ीसा में जो स्टेट गवर्नमेंट में भी हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्यूटी में जाता हूँ, तो यहाँ पे नए नए बच्चे लोग आते हैं, नर्सिंग बच्चे लोग आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपका कॉलेज में भी अगर आपका जैसे कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है या क्या क्या कुछ हो रहा है कि कुछ दिक्कत है, तो आप JNC से बहुत सारे बैचेस है कॉलेज स्टूडेंट के लिए ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो रेफर टू दैट. तो मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ. तो अभी और भी लाइक JNC का नाम रोशन करना है, और उनके उसके साथ साथ हम खुद को जैसे बढ़ाएंगे, जैसे अक्की सर बोलते हैं कि आप जितना बढ़ोगे तो हमारा JNC उतना बढ़ेगा. तो ऐसे ही ये टारगेट रहेगा कि हम ग्रो करेंगे, और अक्की सर प्लीज़ गाइड अस टू आवर लाइक फ्यूचर एंडेवर्स. सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई JNC, माई सेकेंड फैमिली, माई JNC. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर.